हेलो दोस्तों, तो हो चुकी है प्यारी सी मॉर्निंग। और सबसे पहले आप सबों को सुबह की गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। गाइस आप लोग का स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। तो आज यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे ना कल लगाए थे कोयले के भट्टा पर, ना रात में इसको ना पानी वगैरह डाल के इसको बुतने के लिए डाल दिए थे, पर ना इतना गर्म था कि अंदर भी नहीं किए थे गाइस। इसी वजह से ना सुबह आज यहीं पे चूल्हा जला दूंगी, क्योंकि यहाँ पे ही पोड़ा है और अंदर में एक जरा भी कोयला पोड़ा नहीं है गाइस। इसी वजह से मैं सुबह इधर निकल के देख ले रही हूँ कि कोयले तो नहीं गया है, क्योंकि ना रात में यहाँ पे कोयला रखने से ना गाइस रात में उठा के चोरी हो जाता है गाइस, उठा के ले भाग जाता है। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि रात में गर्म था और बहुत ही रात हो चुकी थी, इसी वजह से कोयले को अंदर नहीं कर पाए, क्योंकि गर्म था गाइस। पानी डाले थे ना, फिर भी गर्म था, पानी पूरी तरह से बुझा नहीं था। इसी वजह से मैं उनको वहीं पे छोड़ दिए थे, लाई नहीं थी अंदर। इसी वजह से सुबह उठ के मैं देख ले रही हूँ कि कोई ले तो नहीं गया गाइस। तो आज वहीं चूल्हा जला के और उसके बाद झाड़ू वगैरह करूँगी गाइस। तो देखिए आज मैं बाहर में ही चूल्हा जला ले रही हूँ और चूल्हा भी थोड़ा बहुत फूट चुका है गाइस। और ये रही मेरी लकड़ी और यहीं पर है कोयला, तो यहीं पर आज जला लूँगी गाइस। जला के उसके बाद इसको अंदर कर लूँगी। और ना आज शनिवार है, तो आज यानी जो महीना का शनिवार होता है गाइस, तो तीसरा शनिवार को छुट्टी रहती है। यानी जो स्कूल है मेरा बाबू का गाइस, तो तीसरा शनिवार को छुट्टी रहती है। इसी वजह से ना आज उनको मैं नहीं उठाई हूँ बाबू को, क्योंकि उसको छोड़ दी हूँ सोने के लिए और सुबह उनको परेशान नहीं करती हूँ गाइस। जिस समय मैं उठती हूँ ना बहुत ही सुबह रहती है, इसी वजह से मैं नहीं उठाती हूँ, 7 बजे तक उसको उठाती हूँ गाइस। तो मेरा झाड़ू वगैरह बाहर का झाड़ू हो गया था गाइस, तो अभी मैं यहाँ से बरामदा जो है मैं उनको धो दे रही हूँ। आज यहाँ पे पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ना धोने से थोड़ा बहुत जो अंदर का डस्ट वगैरह रहता है गाइस तो निकल जाता है, और पोछने से ना उतना नहीं निकल पाता अंदर से। इसी वजह से मैं आज सोच रही थी कि आज पानी से इसको धो देती हूँ और बाहर उसके बाद अंदर अंदर पोछा लगा दूँगी, क्योंकि अंदर धोने से ना पानी जम जाएगा गाइस। मेरा ना जो घर है जो है ना, पहले ना पानी वगैरह जम जाता था यहाँ बरामदा में और बरसात में। इसी वजह से हस्बैंड ना यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा करके जो पक्का है गाइस, यहाँ ऊंचा करके बनाया था, तो इसी वजह से ना घर ना अंदर का घर थोड़ा सा गड्ढा गड्ढा टाइप का हो गया है, तो धोने से ना पानी अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं आता। इसी वजह से ज़्यादातर मैं पोछा ही लगाती हूँ गाइस, इसी वजह से धोती नहीं हूँ, पर ना धोने से थोड़ा सा ज़्यादा ही साफ सफाई हो जाती है। इसी वजह से मैं बाहर बाहर अभी थोड़ा सा पानी से धो दे रही हूँ। तो अंदर अभी पोछा लगाना बाकी है गाइस, क्योंकि अभी बाहर बाहर ही धो रही हूँ और झाड़ू बाहर हो गया था, उसके बाद बरामदा को धो दे रही हूँ। और धोने से थोड़ा सा जो डस्ट वगैरह है बहुत अच्छा से निकल जाता है, यानी हफ्ता में एक आध बार धो देती हूँ, उसके बाद ज़्यादातर पोछा ही लगाती हूँ गाइस, क्योंकि ना घर मेरा जो है गड्ढा में है, इसी वजह से पोछा ही लगाना पड़ता है। तो अभी बरामदा धो के उसके बाद अंदर की पोछा लगाऊंगी, उसके बाद जो काम होगा गाइस करूँगी, क्योंकि ना सुबह सुबह तो इतना ज़्यादा काम रहता है कि थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि इतना काम है और 8 बजे से पहले ही निपटाना है। तो गाइस मेरा पोछा यानी यहाँ का जो बरामदा है मेरा धुल गया है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से हो गया है गाइस। उसके बाद अब जा रही हूँ पोछा लगाने के लिए, क्योंकि अंदर अभी बाकी है, और अंदर पोछा लगा के उसके बाद बर्तन वगैरह भी धोना बाकी था गाइस। यानी सुबह सबसे पहले मैं अभी बरामदा का ही धो ले रही हूँ, उसके बाद पोछा वगैरह हो जाएगा। Thank you.
तो गैस मेरा धुल चुका है, बरामदा अब अभी आ गई हूँ मैं पोछा लगाने अंदर। और अभी बाबू सोया हुआ है गैस, और आज छुट्टी थी इसी वजह से अभी किसी को नहीं उठाई हूँ, सुबह सुबह ही पोछा लगा ले रही, इसलिए ज़्यादा डिस्टर्ब वगैरह नहीं कर रही हूँ। और सारे लोग सोए हुए थे गैस, इसी वजह से मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, क्योंकि पोछा मैं सुबह ही लगाती हूँ और सुबह उतना जल्दी से उठ नहीं पाता, इसी वजह से मैं नीचे नीचे झाड़ू लगा के पोछा लगा लेती हूँ और उसके बाद बाबू लोग को उठा देती हूँ 7 बजे तक गैस, क्योंकि ना 8 बजे उनका स्कूल रहता है, इसी वजह से पढ़ना। आज लास्ट 3रा शनिवार था, तो 3रा शनिवार को छुट्टी रहती है बाबू का, इसी वजह से अभी नहीं उठाए हैं। और गर्मी का मौसम, इसी वजह से पंखा भी चालू कर दे रहे हैं, तब तक सोएगा बाबू, तब तक मेरा पोछा वगैरह भी लग जाएगा, तो इसी वजह से मैं नीचे नीचे भी पोछा लगा ले रही हूँ और बाबू को नहीं उठाई गैस, क्योंकि और भी काम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर रही थी। और आज मेरा टीकाकरण भी थी आंगनबाड़ी में, तो जल्दी जाना होता है टीकाकरण में, क्योंकि ना दवा वगैरह सुई वगैरह सारा चीज़ आता है आंगनबाड़ी में, इसी वजह से सुबह ही आंगनबाड़ी जानी पड़ती है, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी काम कर ले रही हूँ। और अभी आ गई हूँ किचन में साफ़ सफाई करने के लिए, तो अभी किचन की पोछा लगा ले रही हूँ गैस। और किचन में ना थोड़ा सा टूट फूट गया है, तभी ना अभी लगा ले रही हूँ किचन की पोछा, और यहाँ पे वाइट वाइट लग रहा है इसलिए गैस, क्योंकि किचन पूरा टूट चुका है, थोड़ा थोड़ा जो जहाँ तहाँ एकदम जो पक्का है गैस पूरा टूट चुका है, अच्छा नहीं लगता है पोछा लगाने में, क्योंकि ना बालू बालू पूरा बालू निकलता है गैस, यानी किचन मेरा टूट चुका है। और अभी कुछ दिनों से पेमेंट वगैरह भी, मेरा आंगनबाड़ी का पेमेंट वगैरह भी नहीं चल रही है, इसी वजह से ना कुछ भी नहीं हो पा रहा है गैस। अगर पेमेंट वगैरह मिल जाता तो फिर यहाँ सीमेंट वगैरह लेके और किचन की मरम्मत करवा लेती, पर ना अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है गैस। और होली आने वाली है, पर अभी पेमेंट वगैरह चढ़ नहीं रहा, इसी वजह से दिक्कत हो गई है थोड़ी सी। और किचन की मेरी तो हालत पूरा ख़राब है गैस, यानी पूरा जो पक्का है गैस पूरा टूट चुकी है, जहाँ तहाँ से बालू पूरा निकलता है पोछा वगैरह लगाने से ना, और पाँव पास लगता है, यानी पैर के नीचे आती है बालू गैस, तो अच्छा नहीं लगता है, तो पूरा कर कर पूरा किचन ही मेरा ख़राब लगता है दिखने में। तो गैस मेरा नीचे का पोछा लग चुका है, अभी लगा दे रही हूँ, ऊपर मैं थोड़ी सी साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि ना थोड़ी सी दाल चावल से जो गिरती है गैस बहुत ही ख़राब लगता है, इसीलिए मैं ना सुबह पोछा लगा के उसके बाद छज्जा का भी पोछा लगा देती हूँ, ताकि ऊपर का छज्जा थोड़ा सा साफ रहे और अच्छा भी लगे। और खाना वगैरह रखने से, खाना निकालने से यहाँ पे दाल चावल गिर ही जाती है गैस, कभी सब्जी गिर गया कभी दाल गिर गया, तो उससे ना बहुत ख़राब लगती है, इसी वजह से मैं अभी ऊपर की छज्जा के पोछा लगा दे रही हूँ। तो गैस मेरा छज्जा का पोछा लग जाएगा, उसके बाद थोड़ी सी पालक साग लाए थे तो भी उसको थोड़ा सा धोना उना था गैस, यानी सुबह से जल्दी जल्दी काम में लगी रहती हूँ और खाना वगैरह तो बन नहीं पाता, इसी वजह से मैं सोच रही थी कि छज्जा का पोछा वगैरह लगा के उसके बाद जो पालक का साग है गैस उसको मैं अच्छी तरह से धो के उसके बाद रख दूँगी, ताकि श्रद्धा बना ले उसको सब्जी वगैरह, यानी सारा चीज़ हुआ रहता है गैस तो श्रद्धा बना लेती है खाना, इसी वजह से मैं अभी सोच रही थी कि साग के थोड़े से धो धा के रख दूँगी, यानी मेरा काम सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हूँ, यही सब हो पाता है गैस, खाना वगैरह नहीं बन पाता है, क्योंकि पोछा वगैरह घर का जो साफ़ सफाई यही सब होते होते टाइम हो जाती है आंगनबाड़ी के, उसके बाद मैं नहा धो के चली जाती हूँ, यानी खाना वगैरह मेरा से नहीं बन पाता है गैस इतना सुबह। तो देखिए मेरा पोछा वगैरह लग चुका था छज्जा का, और अभी ये पालक साग है तो आज इसी का सब्जी बनने वाला है, तो इसलिए मैं सो इसको थोड़ी सी अच्छी तरह से देख ले रही हूँ कि कीड़ा वगैरह तो नहीं है गैस, यानी अच्छा से इसको कर दे रही हूँ, उसके बाद यहाँ पर धो के पानी है बाल्टी में इसको धो के उसके बाद बैठी से इसको काट दूंगी और काट के रख दूंगी, ताकि श्रद्धा इसमें आलू पालक मिला के सब्जी बना लेगी, इसी वजह से मैं मेरा अभी धो आने हो गया है गैस, इसको अब धो के उसके बाद इसको थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा में काट दे रही हूँ और इसमें आलू पालक मिला के सब्जी बनाएगी,
तो इसी वजह से मैं यानी मेरा काम बस इतना ही है, गैस बाहर बाहर का काम कर देती हूँ तो सारा काम कर लेती हूँ। श्रद्धा खाना वगैरह जो बचता है गैस यानी नहीं हो पाता है तो श्रद्धा सारा काम कर लेती है। और अभी गर्मी का सीजन आ गया है गैस यानी हल्की हल्की गर्मी लगने लगी है तो इधर ही अच्छा लगता है काम करने में, कुछ भी बैठने में भी इधर ही अच्छा लगता है पेड़ के पास। इसी वजह से मैं बाहर में ही साग वगैरह इसको अच्छा से कर दे रही हूँ और यहाँ पे बैठ के ही काम करने में अच्छा लगता है गैस क्योंकि छाँव रहता है। मेरा साग हो गया था गैस, उसके बाद मैं अभी देख सकते हैं कि चूल्हा पे चढ़ा हुआ है चावल का पानी यानी मेरा थोड़ा बहुत जो काम हुआ था हो गया है और टाइम भी हो चुकी थी और हीटर पे चढ़ा दिए हैं दाल यानी मेरा दोनों चूल्हा में जल्दी फटाफट खाना बन जाता है। पर ना मेरा टाइम हो चुका था इसी वजह से अब जा रही हूँ नहाने और जो कल का कपड़ा था गैस कल नहीं यानी शाम को जो बच्चे लोग कभी कभी नहा लेते हैं गैस शाम में तो शाम में ही कपड़ा वगैरह धुल जाता है पर ना सुखाते नहीं हैं क्योंकि रात में बाहर में कपड़ा वगैरह नहीं रहना चाहिए इसी वजह से रात में नहीं डालते हैं तो इसी वजह से अभी डाल दे रहे हैं यानी सुबह सुबह और तब तक आज धूप आ जाएगी तो सूख जाएगा और उसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने यानी कल का ही कपड़ा है गैस शाम में धो ली थी यानी पानी खुला था तो शाम में ही कपड़ा वगैरह धो लिए थे परसों खाए नहीं थे तो इसी वजह से मैं अभी डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पत्ता वगैरह बहुत ज़्यादा गिरा था गैस यहाँ हम लोग नहाते धोते हैं यहाँ पे ना जो पेड़ पौधे हैं गैस यहाँ पे बरगद का है पीपल का है और अमरूद का पेड़ है तो यहाँ ना रोज़ इतना ज़्यादा पत्ता जमा हो जाता है गैस इससे वजह से यहाँ जब पत्ता जमा हो जाता है तो जो हम लोग नहाते हैं गैस तो पानी यहाँ से नहीं निकल पाता क्योंकि ना जो नाली है वहाँ जाम हो जाती है पत्ता से। इसी वजह से ना यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना सारा पत्ता यानी रोज़ यहाँ का पत्ता हटा देते हैं पर ना रोज़ इतना पत्ता गिर जाता है गैस यानी खुला है छावनी जैसा नहीं है इसी वजह से यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है। और अभी पतझड़ का मौसम भी है गैस इसी वजह से बहुत सारे पत्ते गिरते हैं तो इसी वजह से यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पत्ता जमा हो जाता है और पानी निकलने में दिक्कत हो होती है क्योंकि नाली जाम हो जाता है। इस वजह से मैं अभी साफ कर दे रही हूँ यहाँ पे और धो लूँगी यहाँ पे धो धा के उसके बाद नहाऊँगी गैस यानी मैं सोचती हूँ कि जब नहाने जा रही हूँ तो यहाँ भी साफ सफाई कर देती हूँ क्योंकि नहाने के बाद कुछ भी नहीं हो पाता है गैस यानी इसी वजह से नहाने से पहले जो भी काम कर पाती हूँ कर लेती हूँ नहाने के बाद साफ़ सफाई अच्छा नहीं लगता है फिर से नहाना पड़ जाता है इसी वजह से मैं नहाने से पहले ही सारा काम जल्दी जल्दी फटाफट कर लेती हूँ तो यहाँ की साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है बस थोड़ी सी और पत्ता है वैसे इसको हटा के यहाँ से पानी से थोड़ा सा धो दूँगी यानी साफ़ हो जाएगा उसके बाद मैं नहा लूँगी।
मेरा सारा काम हो चुका था और अब मैं नहा ली हूँ और नहा के अगरबत्ती वगैरह जला ले रही हूँ गाइस, क्योंकि आज टीकाकरण है इसी वजह से जल्दी ही जाना पड़ता है। और आज यूनिफॉर्म भी पहन रखी हूँ क्योंकि मैं टीकाकरण में यूनिफॉर्म ही अच्छा लगता है गाइस, क्योंकि आते हैं थोड़ा सा जो हम लोग से ऊपर का पद है गाइस वो लोग भी आते हैं, इसी वजह से मैं तैयार भी हो चुकी हूँ और अगरबत्ती वगैरह जला के अब जा रही हूँ थोड़ी सी आंगनबाड़ी, फिर वहाँ के बाद